नमस्कार, मैं हूँ रामेश नकवी और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतीय पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे, अपने घर के साथ, अपने घर में अपने घर वालों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का हमें ये 21 दिन का एक बहुत अच्छा मौका सरकार के द्वारा मिला है। हमारे साथ कुछ हमारे सहयोगी हैं जो कि अलग अलग देश के हिस्सों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक गुप्ता जी हैं जो कि बम्बई से जुड़े हैं, तक अच्छा खासे मामले देखने को मिले हैं कोरोना वायरस के। हमारे साथ सुब्रत जैन हैं जो कि पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, पंजाब के लुधियाना से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मोहम्मद तुराब हैं जो कि यूपी अमरोहा से जुड़े हुए हैं। इरशाद हैदर हैं जो कि मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं। इन तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त अपना जो घर वालों के साथ आप स्पेंड कर रहे थे उन्होंने थोड़ा सा टाइम हमारे भारतीय के लिए निकाला है। सबसे पहले मनीष जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया जिसने ये इनिशिएट लिया है। तो मनीष जी, आपसे ही शुरू करूंगा मैं। जी, कैसा देखते हैं आप 21 दिन का लॉकडाउन? ये लॉकडाउन तो होना ही था और ये तय था क्योंकि इस बीमारी का इलाज लॉकडाउन के अलावा कुछ और दूसरा है नहीं। और लॉकडाउन में भी शुरू के एक दो दिन में जो हरकतें हुई थी वो तो बड़ा चिंताजनक थी कि लोग मान नहीं रहे थे और लोग जानबूझ के निकल रहे थे। मैं भी पहले दिन देख के थोड़ा मैं भी मतलब भयभीत हो गया था कि अरे यार, अगर लोग इतनी बड़ी बीमारी को भी महामारी को नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए मुश्किल हो जाए। क्योंकि ये वायरस के बारे में आपको पता है कि वायरस चेन रिएक्शन की तरह करता है। ये एक आदमी से करीब करीब 2.5-3 आदमी में फैलता है और ये फिर चेन रिएक्शन की तरह करता है, जैसा कि इटली में हुआ। इटली के नतीजे सामने देखे। इन पर यूएस भी आज बहुत ज्यादा परेशान है अपनी, जबकि हमसे ज्यादा मतलब अगर आप मेडिकली उनको देखें तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें जो है उनके पास हमारे हमसे बहुत ज्यादा है। तो खैर, ये सब चीजें देख के अब आज तीसरे दिन मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं, लोगों ने धीरे धीरे चीजों को समझा। अब लोग आराम से रह रहे हैं, कोई अफरा तफरी नहीं मचा रहे हैं। लोगों को ये बात समझ में आ गई है, अगर हम सामान भी लेने जा रहे हैं तो वहां पे उन लोगों ने गोल गोल एक एक मीटर का एक निशान लगा दिया है और वो कह रहे हैं, मतलब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, कोई पैनिक नहीं हो रहे हैं, सब कुछ सब जगह मिलेगा। लेकिन इन सबसे पहले एक बार थोड़ा हम बृहत रूप से अगर चर्चा कर ले कि बेसिकली कल और आज में क्या फर्क रहा, तो इसके लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा। और वो ये है कि अगर आप कल और आज में अंतर देखें थोड़ा सा, तो ये एक ऐसा ट्रैकर है जो 4 घंटे पहले तकरीबन अपडेट हुआ था और उस पे आ रहा है कि 753 केस जो हैं वो अभी तक कंफर्म आ गए हैं। कल से लेके अभी तक, मतलब जो लास्ट ये अपडेट हुआ था तब से लेके अभी तक में 18 केस ज्यादा है। ये इसे थोड़ा सा अपडेट कीजिए मनीष जी, इसमें अभी काफी केसेस और बढ़ चुके हैं। हाँ, ये अभी अपडेट 4 घंटे पहले का मैं बता रहा हूँ, 4 घंटे पहले का मैं बता रहा हूँ। अभी लेटेस्ट अपडेट में 775 केस कंफर्म्ड है और 683 केस एक्टिव है, जिसमें से 73 केस रिकवर्ड हुए हैं और 19 केसेस आर डिसीज। अब महाराष्ट्र में 17 केस टोटल आज की डेट में बढ़े हैं, 147 केस महाराष्ट्र में पड़ गए। अच्छा, तो ये स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि तीन लॉकडाउन के बाद में कुछ ना कुछ रिकवरी आनी शुरू होगी, जरूर फर्क होगी। हाँ, तो हम यही बात कर रहे हैं कि जहां तक देखिए, आप देखिए, अगर देखिए तो कल तक जो था वो कल तक महाराष्ट्र लीड कर रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि सुबह ऐसा लगने लगा कि नहीं, केरला उससे 2-3 नंबर आगे चला गया। तो महाराष्ट्र से हमारे साथ दीपक जी जुड़े हुए हैं और वो बहुत बेहतर, चूंकि वो वहां हैं, उस जगह को देख रहे हैं, समझ रहे, तो वो बहुत अच्छा शेयर कर पाएंगे कि वहां की एक्चुअली में अगर हम देखें व्यवहारिक रूप से। देखिए, खबरों में तो चीजें आई रही कि सरकार क्या कर रही है और क्या कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन हम और आप अगर एक आम आदमी के दृष्टिकोण से अगर बता सकें कि एक्चुअली में क्या है वहां की स्थिति, तो बहुत अच्छा होगा दीपक जी। तो एक्चुअल में सर ये है यहाँ पे कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनता कर्फ्यू का जिस समय पर आह्वान किया गया था, तो उस समय तक वो कंडीशन नहीं थी। लोगों ने यहाँ पर, जैसे हमेशा ही होता है किसी भी चीज के शुरुआती दौर में, हम हर चीज को बड़ा ही आसानी से लेते हैं। ये हुआ कि संडे का दिन था, सब लोगों ने एंजॉय किया, शाम को 5 बजे सबने थाली पीटी और सारा सब कुछ हुआ, लेकिन वहां तक दर्द नहीं था, जिंदगी चल रही थी। जिसने भी जिस तरह के जो भी इंतजाम किए थे वो उसको ये लग रहा था कि हाँ भाई ठीक है, जिंदगी चल रही है, थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा और ये समय निकल जाएगा। लेकिन मेजर चेंज उस समय पर आता है जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी दोबारा आते हैं स्क्रीन पर और बोलते हैं कि फर्दर 21 दिन के लिए ये पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है। अब उसके बाद से जो यहाँ तो कुछ ना कुछ वो ऐसा करते हैं
उसके बाद जो सोच में, और यहाँ मैं आपको बताता हूँ जैसा बंबई में हुआ है ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान के अलग अलग मेट्रोज में भी वही रिएक्शंस लोगों के हुए होंगे, लेकिन क्योंकि ये मुंबई इकोनॉमिकल कैपिटल है और यहाँ जिंदगी जीने का तो तरीका है ना वो थोड़ा सा अलग है। है क्या कि यहाँ के लोगों के पास जो संसाधन है या कहो कि जो जिंदगी जीने की जो बुनियादी जरूरत होती है, ये शहर एक बेसिक लाइफलाइन पे चलता है और यहाँ की जो बेसिक लाइफलाइन है वो है यहाँ की मुंबई लोकल रेल। अगर जिस दिन मुंबई का जो लोकल रेल ट्रांसपोर्ट जिस दिन रुक जाता है उस दिन हम ये मान लेते हैं, जो कि यहाँ के लिए बड़ी ऐतिहासिक घटना होती है, उस दिन के बाद से हम मानते हैं कि जो मुंबई की धड़कन है वो रुक गई, वो अभी भी रुकी हुई है। अब इसका जो परिणाम हुआ वो ये है कि कहने को तो आज बोल दिया गया कि भाई दूध इतने से इतने बजे तक मिलेगा, किराने का सामान इतने से इतने बजे तक मिलेगा, लेकिन असलियत ये है कि अगर आप दूध लेने के लिए सुबह जाते हो तो जो निर्धारित समय है अगर उसके आसपास भी आप गए तो आपको कम से कम एक एक किलोमीटर, मतलब सामान्य दूध की दुकानों पर भी एक एक किलोमीटर लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता है। किरानों की दुकानों की सिचुएशन ये है कि यहाँ पर किराने की दुकानें जो एक मतलब जो थोड़ा बहुत खुली भी हैं वहां पर राशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है जो यहाँ की जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स मतलब ये कि लोगों को यहाँ हर महीने का एक अपना एक हिसाब किताब है, हर इंसान का अपना एक बही खाता है, वो बही खाता इस हद तक डिस्टर्ब हो चुका है कि अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले ये था कि 31 मार्च तक जैसे तैसे हम समय काट लेंगे और आगे पीछे करके जिंदगी कहीं न कहीं दोबारा हम रिकवर कर लेंगे आगे, लेकिन अब स्थिति बहुत भयानक रूप से बदल रही है। अभी स्थिति यह है कि जहां पर जो इंसान है वो बुरी तरह से फंस गया है। अब जैसे हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो इंडस्ट्रीज ऑपरेट करते हैं, जिनकी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है, किसी के पास किसी के पास 20 लेबर है। क्या असर पड़ रहा है दीपक जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, इंडस्ट्रीज का सवाल मेरे पास है, लेकिन इससे पहले मैं मुरादाबाद और अमरोहा का भी देखना चाहूंगा, क्योंकि मुरादाबाद में हाल फिलहाल में एक कोरोना वायरस अभी पकड़ा गया है। इरशाद हैदर हमारे साथ हैं, तो मैं इरशाद हैदर से कहूंगा कि बताएं वो पूरी डिटेल में कि किस तरीके से अभी वहां पे माहौल है, क्या प्रशासन का रवैया है, और जो ये एक कोरोना वायरस का एक केस वहां पे सामने आया है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं वहां पर। इरशाद क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? इरशाद का शायद संपर्क हमसे टूट गया है। इरशाद आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मनीष जी आपको आवाज आ रही है इरशाद की? नहीं नहीं मुझे भी नहीं आ रही है, लग रहा है कि उनकी उनका संपर्क सही में टूट गया। तो सीधा चलते हैं तुराब के पास। तुराब बताइए, आप रोहा में क्या सूरत हाल है इस वक्त? सर यहाँ पर एक हफ्ता पहले 4 लोगों पे शक हुआ था कि ये मे बी कोरोना वायरस डिजीज से इनका पॉजिटिव हो सकता है COVID-19 का, लेकिन उनको फौरन ही आइसोलेशन में ले लिया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अब उनकी जब रिपोर्ट आई तो निगेटिव आई है और उनको अभी भी आइसोलेशन में रखा गया है। अगर यहाँ पर ये 14 दिन उन लोगों के सही से निकल जाते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि कम से कम अमरोहा बिल्कुल सेफ जोन में है, क्योंकि यहाँ पर और कोई अभी ऐसा वो नहीं पता चला है, कोई केस सामने नहीं आया है। हाँ यहाँ लॉकडाउन की बहुत अच्छी स्थिति है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल कोऑर्डिनेट करके चल रहा है, पूरा उन्होंने रोक रखा है, ना कोई यहाँ से बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट में पूरी जरूरत का सब सामान यहाँ मुहैया करा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। तो हालात सामान्य है वहाँ पे कुछ कुल मिलाकर थोड़ा भी कहा जा सकता है? जी ये कहा जा सकता है, लेकिन प्रशासन फिर भी कोई अपनी तरफ से कोई ढील नहीं छोड़ रही, किसी को सोशल गैदरिंग बिल्कुल इजाजत नहीं है, पूरा लॉकडाउन है। हाँ बस आप अपना जरूरत का सामान ले सकते हैं, और जैसे कि हम कहते हैं कुछ मनचले लोग सड़कों में निकल जाते हैं हुल्लड़बाजी तफरीबाजी करने के लिए, उनके लिए डंडे का प्रयोग जरूरी है और वो किया भी जा रहा है। अच्छा कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है दीपक जी, क्या बम्बई में भी ये सूरत हाल है कि जब तक पिटेगा नहीं इंडिया, जब तक पिटेगा नहीं इंडिया, जब तक सुधरेगा नहीं इंडिया, तो क्या ये नारा पुलिस की तरफ से लगाया जा रहा है वहां पर भी? सही कह रहे हो आप, इस शुरुआती दिनों में ये चीज देखने को मिली
लेकिन अभी ये है बात कि अभी लोगों का रवैया बदला है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि जिंदगी जिस तरह से चलती है वहां पर जिंदगी को जीने के लिए दूध की जरूरत भी है, भाजी की जरूरत भी है, और भी दो बुनियादी जरूरतें हैं इंसान की, उसके बिना किसी के घर में बच्चे हैं, किसी को दवाई की जरूरत है। अब आप अगर डंडा चलाते हैं और पूछने से पहले ही आपने डंडा मारा तो आपको मालूम ही नहीं है कि वो इंसान किस लिए जा रहा था। तो जिस तरह से प्रशासन की गाइडलाइंस हैं और उसमें बहुत हद तक तब्दीली आई है, कुछ हद तक छूट भी है कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं कुछ जरूरत के सामान, हाँ सबके लिए समय निर्धारित कर दिया गया है यहाँ पे कि जैसे भाजी मंडी है वो सुबह 9 से 2 के बीच में खुलेगी, फिर 3 दिन के बाद खुलेगी, जिस दिन खुलेगी उस दिन के लिए आपको समय दे दिया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि इतनी लंबी लंबी कतारें हैं, जैसे 4 दिन के बाद अगर कोई दुकान ओपन होती है तो होता क्या है कि इतनी लंबी लंबी कतारें हैं कि जो निर्धारित समय दिया जाता है उस बीच में सभी को भाजी मिल पाना संभव नहीं है। इसी तरह से दूध के सामान, दूध के लिए या और भी कुछ चीजें हैं कि आपको राशन की दुकानों पर कोई चीज लेनी है तो लंबी लंबी लाइन है। दीपक भाई क्या मतलब सरकार राशन के दीपक भाई क्या मतलब सरकार तक ये मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है? क्या राशन की कमी हो रही है इसलिए वहां अफरा तफरी है, या लोग ज्यादा पैनिक हो रहे हैं इसलिए अफरा तफरी? जैसा मैं समझ पा रहा हूँ सर, होता क्या है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो भी बेसिकली इंसान हैं। वो इस पैनिक कंडीशंस में उन्होंने भी बहुत सारी गाड़ियां विड्रॉ कर ली सामान। अब जैसे नासिक मंडी से जो मुंबई में सामान आना चाहिए, अब उतने ट्रक उपलब्ध नहीं है जितना सामान की खपत है या जितना। अब चलो कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में भी अगर हमें देख लें कि भाई अगर 100% भाजी कंज्यूम होती थी तो आज की डेट में 50% तो कंज्यूम होगी ही ना। लोग चाहे कितना भी संभाल के अपनी राशनिंग करें लेकिन फिर भी 50% भाजी की जरूरत है। लेकिन क्या उसके अनुपात में 50% ट्रांसपोर्ट बचा है कि नहीं? ट्रांसपोर्ट है नहीं, मंडियां बंद पड़ी हैं, वहां के जो कॉन्ट्रेक्टर वेंडर्स हैं जो एक पूरी सप्लाई चेन के थ्रू सामग्री वहां से यहां तक पहुंचती है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। और मेरे को तो ये लगता है कि इन सब चीजों पर शायद सरकारों ने पहले से सोचा भी नहीं। हम जो जो कंडीशंस आती जा रही है सरकारें सिर्फ उनका मुकाबला करने के लिए या उन परेशानियों को रेक्टिफाई करने के लिए प्लानिंग करती जा रही है, लेकिन ये पूर्वानुमान लेकिन जैसा लग रहा था जैसा। अच्छा अगर हम सरकार की बात करें तो जिस तरह से ठाकरे साहब ने एकदम से इनिशिएटिव शुरू में ही लेके और वहां के हालात को देखते हुए उन्होंने लॉकडाउन किया, कर्फ्यू की बात करी और बार बार लोगों को श्योर भी किया अपनी तरफ से कि आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में हम जानते हैं और खासकर मुंबई के बारे में जानते हैं कि बहुत छोटी सी जगह में बहुत डेंस पॉपुलेशन है वहां पे। मतलब अगर दिल्ली से हम उसकी वो करें क्या कहते हैं दिल्ली से तुलना करें तो दिल्ली फैला हुआ बहुत है उसके हिसाब से, पॉपुलेशन है वहां बहुत डेंस है, बहुत बहुत कम जगह में है और इसीलिए भी शायद अफरा तफरी का माहौल होता होगा। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि चूंकि सामान उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा उतना नहीं या उसका आधा भी नहीं पहुंच पा रहा इसलिए भी ऐसा, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरफ से मतलब कोई ऐसी इंतजाम जो किए जो मतलब कहा जा रहा है खबरों में और कुछ भी वो कह रहे हैं वो कहीं व्यवहारिक पटल पे कहीं दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा है सर, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुंबई का जो जनसंख्या घनत्व है वो इतना ज्यादा है कि उस चीज को कंट्रोल कर पाने के लिए एक बहुत बड़े प्रबंधन की जरूरत है। अब जैसे आपने पॉपुलेशन डेंस की जो बात कही, बीच में ऐसी खबरें आई कि जो यहाँ का स्लम एरिया है वहां पर कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए, ऐसे रूमर्स आए। आपको बिलीव नहीं होगा यहाँ पर पूरी मुंबई ये बात ये खबर सुनकर हिल गई, क्योंकि मुंबई के स्लम्स में सपोज धारावी में कोई कोरोना पॉजिटिव इफेक्टेड इंसान का पहुंच जाना या मुंबई की लोकल ट्रेन में अगर कोई इस तरह के किसी इंसान का पहुंच जाना, आप कल्पना नहीं कर सकते कि स्थिति को संभाला ही नहीं जा सकता यहाँ पर जो लोग। तो वो जो कंडीशन थी वो शुरुआती दौर में सबको एक बार आघात लगा कि अगर कहीं ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी यहाँ की जो वाटर पाइपलाइंस हैं वो बहुत स्लम से गुजरती हैं, या स्लम जो है यहाँ का वो अनऑथराइज तरीके से वो जो वाटर लाइंस हैं बीएमसी की उसमें इंक्रोचमेंट करके पानी निकाल के अपनी जिंदगी की गुजर बसर करता है। आप बिलीव करो सर कि अगर उनमें से कोई पॉजिटिव कोई कोरोना पॉजिटिव इंसान उस पानी को इफेक्ट करता तो मुंबई और मुंबई सबर्बन की स्थिति क्या होती या क्या हो सकती है इसका अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते। तो बस यही है कि हम सब उस
डेंजर कंडीशन का सामना कर रहे हैं कि सर भी कैसे न कैसे करके ये स्थिति, माना अब चलो 14 अप्रैल तक ही है, फर्दर 21 दिन का लॉकडाउन है, अगर ये वहीं तक ही सीमित रह के ये निकल जाता है तब भी हम समझते हैं कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे क्या होगा उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग, और मेरे को लगता है कि जो प्रशासन है या जो सरकारी मशीनरी है, यहाँ के जितने सरकारी ऑफिसेज हैं उनको बाकायदा अभी हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहां पर जो जनरल रूटीन काम होता है सारा का सारा रोक दिया गया, वो पहले एक हफ्ता पहले से ही, लॉकडाउन के एक हफ्ता पहले से ही रोका जा चुका था। अभी क्या उसके बाद में हुआ, लॉकडाउन से 2-3 दिन पहले ही जब गवर्नमेंट का सर्कुलर आया, वहां से इन लोगों ने क्या किया कि पूरे पूरे ऑफिसेज को पब्लिक के लिए रोक दिया और सिर्फ सिर्फ कोरोना हेल्प सेंटर वहां पर ऑन कर दिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई इस तरह के केसेस आते हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो प्रबंधन की अपनी सीमाएं हैं, जिस तरह से जनसंख्या है उसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, इतने लोगों तक राशन पहुंचाना, इतने लोगों तक दूध पहुंचाना, इतने लोगों तक दवाइयां पहुंचाना, और उसके बाद संक्रमण को रोक पाने के लिए जिस तरह के प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए उस पर एक बृहद कार्य योजना बनाना, ये इतना आसान काम नहीं। काफी काफी संजीदा मामला है और मुझे लगता है कि सरकार को ना आगे बढ़ के, और मैं ये तो नहीं कह सकता कि सरकार सीरियस नहीं है, बट मुझे लगता है कि जितना हम है हमें उससे ज्यादा ताकत और जोर लगाने की जरूरत है। तो दीपक भाई हमारे साथ ना सुब्रत भी जुड़े हुए हैं, पंजाब से हैं, और पंजाब में भी आपको पता है कि पंजाब में भी पंजाब ने सब तो हमारे यहाँ से पहले कर्फ्यू लगाया और वहाँ की भी हालात काफी चिंताजनक है। तो हाँ सुब्रत, आपके यहाँ क्या स्थिति है? देखिए मनीष भाई, जो पंजाब का है थोड़ा सा रिफॉर्म लग रहा है, बिकॉज जैसे कर्फ्यू के 3 दिन पहले यहाँ पर 21 पॉजिटिव केस आए थे और कर्फ्यू के 4 दिन बाद आज सिर्फ 12 पॉजिटिव केस हैं, क्योंकि कर्फ्यू के साथ काफी सिचुएशन कंट्रोल में भी आई है, लोगों को सुधारा भी गया है, लोगों को भी समझ आ रहा है कि हाँ हमें बाहर नहीं निकलना। लेकिन अगर मैं बात करूं लुधियाना की, लुधियाना में बेसिकली ये इंडस्ट्रियल हब है पूरा पंजाब का, हॉजरी सेक्टर, साइकिल सेक्टर बहुत बड़ा है यहाँ पर, क्योंकि यूपी बिहार और माइग्रेंट्स काफी ज्यादा है लुधियाना में। जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम राशन वितरण करेंगे और सब्जियां डिलीवर की जाएगी जो रूरल एरियाज हैं लुधियाना के, वहां पर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई, बिकॉज यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज अपना पेट रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जब उन लोगों के पास इतनी मॉनिटरी पावर नहीं है कि वो 21 दिन का राशन जमा कर सके, तो कल थोड़ी सिचुएशन वहां पर बिगड़ी। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा कि क्योंकि लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे थे। जो अब गरीब जनता है जिन्हें नॉलेज नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि मुंह पे मास्क लगाना है, किसी को छूना नहीं, उनको इतना समझाया गया। लेकिन जब जिसका बच्चा 4 दिन से भूखा हो, उसे खाने के लिए मिल रहा है, उसे फिर छुआछात नहीं दिखता, वो भीड़ में उमड़ पड़ता है। कल उस चक्कर में पुलिस ने लाठी चार्ज किया था और उसी से जो यहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कल इस हालत से देखकर पंजाब में पुलिस पे लाठी चार्ज बैन कर दिया है। अगर कोई पुलिस वाला किसी पे लाठी चार्ज करता है या लाठी चलाता है तो आप उसकी 112 नंबर पे फोन करके रिपोर्ट कर सकते हैं। पुलिस किसी को हाथ, अब आज का आलम ये है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले सामान लेने गया था, राशन लेने गया था, पुलिस आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती है कि सर आप मत आइए, आप अपने घर में बैठिए, आप उनको वैलिड रीजन देते हैं। अगर आपके साथ अगर कोई 2 लोग इकट्ठे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पुलिस थोड़ी सी गर्मी से भी बात करती है, और गर्मी से बात करना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ पे लोग नहीं सुधरेंगे। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझाना बहुत जरूरी है। बात करें अगर लुधियाना की, तो यहाँ पर एक केस आया था पॉजिटिव, लुधियाना के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनकी वाइफ का केस पॉजिटिव आया था, जो उनकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी, लेकिन उनकी सेकेंडरी रिपोर्ट जो आज न्यूज आई है कि वो नेगेटिव है। और बात की जाए इसके पॉजिटिव केसेस की, तो जो फगवाड़ा जलंधर की बेल्ट है, दैट इज मेन ऑफ एनआरआईज, फगवाड़ा जलंधर होशियारपुर, ये जो बेल्ट है इसका तकरीबन हर घर का 1-2-3 बच्चे, यानी आप ये समझ लीजिए हर दूसरा घर एनआरआई का है,
जी जी बिल्कुल से, तो उनके केसेस थोड़े वहां पर ज्यादा हुए, वहां पर थोड़े ज्यादा हुए। पंजाब में तो वैसे भी है ना कि पंजाब में ये माना जाता है कि पंजाब में उधर क्या कहते हैं हमारे कनाडा की तरफ रहने वाले लोग, कनाडा की तरफ रहने वाले लोग जाना है, और पंजाबियों में माना जाता है पंजाबी ऐसे हैं जो वर्ल्ड में हर जगह फैले हुए हैं। ये बात भी कहूंगा कि मेरा अब खुद का ब्रदर इन लॉ ही लिव्स इन पोलैंड, तो मेरी कल रात ही हेलो जी सुन रहा हूँ जी बताए जी, मेरा खुद का ब्रदर इन लॉ पोलैंड में रहता है, जहां पर पिछले दो डेढ़ महीने से लॉकडाउन है पोलैंड में, और पोलैंड के आलम ये है कि वहां पर अपनी कोई इंडस्ट्री नहीं है, सब कुछ बाहर से आता है। तो ही वॉज लाइक कि भाई यहाँ पर खाने के लिए बहुत दिक्कत है, तो सिचुएशन, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल किस तरह हो रही है, आप अंदर रहेंगे तो आप बचे रहेंगे, आप ना समझी से बाहर जाएंगे तो आप बिगड़ जाएंगे, यही है। हाँ, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल है, कुछ कैश की दिक्कत आ रही है, साफ सफाई की जरूर दिक्कत आ रही है यहाँ पर, बिकॉज प्रॉपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हालांकि खुली है, लेकिन साफ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं, कर्मचारी खुद डरे हुए हैं, वो खुद बाहर नहीं आना चाह रहे। जो हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट ने दिए हैं राशन के, कई वो हेल्पलाइन नंबर बंद है, कई स्विच ऑफ है, कहते हैं जी नंबर बिजी है, बिकॉज एक एक दो दो नंबर है, और पूरा शहर जब दो नंबर पे मिलाएगा तो नेटवर्क का कंजेशन आना लाजिम है, वो बहुत ही बिल्कुल। कुछ ऐसी ही चीजें हैं, कई जगह मुनाफाखोरी की भी खबरें आई है कि हाँ भाई आलू का भाव 40 रुपए किलो कर दिया, प्याज 70 रुपए किलो हो गया, तो उनके लिए भी अब गवर्नमेंट ने आज ये निकाला है कि आप, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए, कंप्लेंट नंबर्स हैं, अगर कहीं पर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप उनका वहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं। बाकी ये तो है कि अब जो पहले दो दिन लोग क्रिकेट खेलने निकल रहे थे, जो हाल ये हाल था कि लोग क्रिकेट खेल रहे थे सड़कें बंद हो गई, तो देखिए ये तो मैं कहूंगा ऐसी चीजें, अगर ऐसे हालात में अगर कोई क्रिकेट खेलने निकल रहा है, कोई बैडमिंटन खेलने निकल रहा है, ये मान के जैसे मेरी सोसाइटी के अंदर भी उस दिन जिस दिन ये जनता कर्फ्यू था, उस दिन शाम को रात को 9 बजे सब यहाँ बैडमिंटन खेलने निकल गए, तो मैं कहा भाई हेलो ये कर्फ्यू वो वाला कर्फ्यू नहीं है जिसमें कि भाई दंगे हो गए हैं तो आपको घर के अंदर रहने करें, और मान के चल रहे हैं कि आप चार दीवारी के अंदर है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, भाई ये कोरोना वायरस है, कहीं से भी कैसे भी आ सकता है। मेरी वॉइस ब्रेक है, मेरी आवाज आ रही है आपको? वॉइस ब्रेक है थोड़ा, कंजेशन आ रहा है। कोई बात नहीं ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हेलो मेरी आवाज आ रही है? कोई बात नहीं, मेरी आवाज सुब्रत तक नहीं पहुंच पा रही है। दीपक भाई आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल श्योर, परफेक्ट। दीपक भाई आगे ठीक है ओके सुब्रत, तुम सुब्रत और दीपक भाई, हम लोग हमारी कोशिश बेसिकली भारतीयंस के थ्रू हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि देखिए बाकी बातें तो न्यूज में आ ही रही है और लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से मैं बार बार आप लोगों से अपील करूंगा, ईमानदारी से हम लोग डेली का अपना कुछ एक्सपीरियंस अलग अलग जगहों से लोगों से शेयर कर सके, जिससे पैनिक भी ना फैले और सही जो मुद्दे हैं, सही जो इशू हैं, उसकी जानकारी हम सरकार तक भी पहुंचा सके, तो मुझे लगता है ये सही होगा, क्योंकि हम घर में बैठे हैं, हम तो फॉलो कर रहे हैं अपनी चीजों को और कोशिश कर रहे हैं कि हम बाहर ना जाएं, पैनिक ना फैलें, लेकिन अगर कहीं पे किसी चीज की जरूरत है और किसी कारणवश वो सरकार तक के नजर में नहीं आ रहा है या वहां की जो अथॉरिटी है उसकी नजर में नहीं आ रहा है, तो अगर हम आम आदमी के लेवल पे ये बातें करेंगे और इस तरह की चीजें शेयर करेंगे तो शायद उनको उनकी नजर में आए, और क्योंकि देखिए हर जगह वो न्यूज चैनल का कैमरा तो नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल हम लोग हैं घर में बैठे बैठे भी, जहां तक हो सकता हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पहुंच जाए, और तो इसी क्रम में हम अब ये सिलसिला अगले 20-21 दिन तक जारी रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि दिन भर में कम से कम 2-3 बार हम ऐसे लोगों से बात करें जो देश के हर कोने में बैठे हैं। मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं करूंगा, मैं तो चाहूंगा कि केरल से भी मुझसे लोग जुड़े, बिहार से भी लोग जुड़े, उत्तर प्रदेश से भी जुड़े, जहां से हो सकता है जुड़े और अपनी बातें बताएं, और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि ये जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे आप वहां जाके वो कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके आप पोस्ट कर सकते हैं कि हाँ हम जुड़ना चाहते हैं, हमारा ये नंबर है, तो हम आपको लिंक भेज देंगे और आप जुड़ जाइए। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, कोई भी अफवाह ना फैलाइए, कोई भी झूठी खबर पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, जब तक किसी भी खबर की पुष्टि ना हो जाए, सत्यता का ना पता चल जाए, तब तक उसको सच मत मानिए, और बाकी सिर्फ उतनी बात कहें जो आपने अपनी आंखों से देखा हो और जो आपने
खुद महसूस किया। तो चलिए दीपक भाई और सुब्रत भाई, जी जी मनीष जी, एक एक मैं और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी व्यूअर्स हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सबके घर के आसपास कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, जिन्हें अपने रोज की दाल चावल नहीं मिल रहा है, तो अगर हमारे से कुछ बन पड़ता है तो कोशिश करके उनके लिए एक या दो वक्त का खाना जरूर दीजिए, उनको खाना दीजिए, उन्हें खाने की बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ पे कुछ एनजीओज हैं जो काम भी कर रहे हैं, हम भी, मैं भी आज सुबह ऐसे कुछ जगह दाल चावल वगैरह देकर आया हूँ, तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग मैं समझता हूँ ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे आसपास में कुछ भी जो लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है उन तक खाना पहुंचाया जाए, उन तक साफ पानी पहुंचाया जाए। खाना अगर नहीं आ रहा है कम से कम साफ पानी, क्योंकि अभी सफाई नहीं हो रही, ड्रेनेज सिस्टम भी खराब हो रहा है क्योंकि इतने दिन लॉकडाउन की वजह से, अगर आप साफ पानी की 2 लीटर की बॉटल ही वहां तक पहुंचाएं तो वो भी मेरे हिसाब से हमारे लिए एक दुआ का काम करेगी, इस कोरोना के लिए दुआ का काम करेगी। जी 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 सूरत, बहुत ही जरूरी है कि सिर्फ देखिए अपना तो ख्याल रखे ही रखे, लेकिन अगर हम अपना ख्याल पूरी तरह से रखते हुए किसी और की मदद कर सकते हैं और अगर हम सक्षम हैं हम कर सकते हैं तो वो करना ही करना है, क्योंकि ये यही वक्त है जब आप आपको पूरी कम्युनिटी, क्योंकि अगर कम्युनिटी नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे, अगर चीजें उनके ऊपर फर्क डालेगी तो हमारे ऊपर भी कहीं कहीं, तो मुझे लगता है कि आज इस चर्चा को हम यहीं पे रोकते हैं। दीपक भाई और सुब्रत, संजोग से रामिस का वो थोड़ा मुझे लगता है इंटरनेट ठीक नहीं था, इसलिए वो बीच में हमसे जो 3 लोग जुड़े हुए थे वो नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं हम फिर से उनको जोड़ लेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो अगले 20-25 दिन है और कुछ नहीं तो घर से बैठ के ये काम तो कर ही सकते हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भारतीयंस की इस कोशिश में हमेशा शरीक होंगे, और आप लोगों का बहुत फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया घर पे रहिए, बाहर ना निकलिए। जी 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 जरूर, वो जरूर है। धन्यवाद मनीष।